Hello everyone, in this lecture we are going to learn about 2-bit ripple down counter. हम लोग 2-bit ripple down counter को पढ़ेंगे. down counter का मतलब है ये क्या करेगा, आपका decreasing order में count करेगा. आप counter में देखे थे आप increasing order में count कर रहा था. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2-bit ripple down counter है तो कितना flip flop use करेंगे, दो. तो दो फ्लिप फ्लॉप आपका हो गया J1 K1 और J2 K2 आपका आपका फ्लिप फ्लॉप, एक ये हो गया एक ये हो गया. हम लोग काउंटर में हमेशा दो तरह का फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, आइदर JK और T फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि टगल स्टेट को हम लोग लेते हैं, टगल स्टेट को लेते हैं, तो JK या T फ्लिप फ्लॉप को आपको प्रीफर करना है. तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लॉक अप्लाई किए हैं, ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है. यहाँ जो क्लॉक अप्लाई किए हैं वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है. तो 2-bit का आपका काउंटर है, कितना बिट का, 2-bit का, तो कितना आपका स्टेट हो जाएगा, 4 आपका स्टेट हो जाएगा, मीन्स 4 क्लॉक पल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे. पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है तो राइजिंग एज में हम लोग क्या करेंगे, ये आपका राइजिंग एज में हम लोग देंगे. चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये आपका NSB बिट है, ये आपका LSB बिट है, Q1 और ये Q2. अगर आप देखिए तो रिपिल अप काउंटर और रिपल डाउन काउंटर में कुछ खास अंतर नहीं है. देखिए यहाँ पे रिपल अप काउंटर में क्या था, Q1 बार से हम लोग सेकेंड जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसके क्लॉक को कनेक्ट किए थे Q1 बार से. वही डाउन काउंटर में क्या कर रहे हैं, Q से हम लोग सेकेंड जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसके क्लॉक को कनेक्ट कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है. अब चलिए हम लोग इसका ऑपरेशन को देखते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्लॉक ले रहे हैं, ये आपका क्लॉक हो गया, ये क्लॉक हो गया. अब देखिए ये क्या है आपका Q2 Q1, क्योंकि आपका MSB बिट है Q2, तो हम लोग MSB बिट लेफ्ट में रखेंगे और LSB बिट है आपका Q1, तो इसको हम लोग राइट में रखेंगे. अब देखिए इनिशियली क्या होता है, आपका काउंटर रीसेट पोजीशन में होता है, तो 0 क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई किए, तो ये क्या होगा, Q2 भी आपका 0 होगा और Q1 भी आपका 0 होगा, ये भी आपका 0 होगा और ये भी आपका 0 होगा इनिशियली रीसेट कंडीशन में. अब हम लोग फर्स्ट क्लॉक पल्स को अप्लाई करते हैं, पहला क्लॉक पल्स को अप्लाई करते हैं. तो देखिए पहला क्लॉक पल्स को, ये देखिए आपका इनपुट हमेशा हाई है, हाई वोल्टेज लॉजिक 1 दिया, मींस 1-1 रहेगा आपका, J=1 और K=1 रहेगा हमेशा, बस क्लॉक पे डिपेंड करेगा आपका टगल स्टेट. तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किए, मीन्स 1 अप्लाई किए, तो ये क्या होगा, टगल करेगा, टगल करेगा मीन्स जो 0 होगा वो 1 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा, पहले से ये क्या है 0 है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. तो Q1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया, Q1 1 हो गया. अब देखिए यही जो है Q1, इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में. तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में जब आप अप्लाई कीजिएगा, तो ये आपके 1 अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, इसका भी इनपुट आपका हाई है, देखिए हाई से आपका जुड़ा हुआ है हाई वोल्टेज से, तो यहाँ पे 1 है, तो फिर इसको क्या करेगा, टगल कर देगा, तो ये 0 था पहले, तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 ये भी 1. अब हम लोग सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई कीजिएगा, 1 अप्लाई कीजिएगा, तो फिर क्या होगा, ये टगल स्टेट में होगा, टगल में होगा तो आपका क्या है, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1, तो पहले से आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो Q1 आपका क्या हो जाएगा, 0, और ये 0 है. तो देखिए जब आप 0 अप्लाई कर रहे हैं इस फ्लिप फ्लॉप में, 0 अप्लाई करेंगे, तो क्लॉक जब आपका 0 रहेगा तो फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, काम नहीं करेगा, जो आपका प्रीवियस स्टेज है उसी में रह जाएगा, क्योंकि जब आपका क्लॉक 1 रहेगा पॉजिटिव ट्रिगरिंग में तभी वो काम करेगा. तो यहाँ पे ये 0 अप्लाई किए तो क्या होगा, आपका जो प्रीवियस स्टेज में जो आउटपुट था वही रह जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 था तो 1 ही रह जाएगा. फिर हम लोग थर्ड क्लॉक पल्स को अप्लाई करते हैं, थर्ड क्लॉक पल्स को अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका थर्ड 1 अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, फिर ये टगल स्टेट में होगा, टगल में क्या होगा, 0 आपका 1 हो जाएगा, तो ये 0 था तो 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, फिर ये 1 आपका सेकेंड क्लॉक, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में आएगा, तो ये 1 अप्लाई किया तो पहले से आपका 1 था, तो अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो Q2 आपका 0 हो गया. फिर हम लोग फोर्थ क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे, फोर्थ क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ आप अप्लाई कीजिएगा तो फिर आपका टगल स्टेट में जाएगा, टगल में जाएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, 0, तो Q1 आपका क्या हो गया, 0. इस 0 को हम लोग सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में अप्लाई करेंगे, तो जब आप 0 अप्लाई कीजिएगा क्लॉक में तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा, आपका जो प्रीवियस स्टेज का आउटपुट है वैसे ही रह जाएगा, तो आपका प्रीवियस में कैसे था, 0 था, तो आपका 0 ही रह जाएगा. तो देखिए
फिर आपका क्या हो गया, चार क्लॉक पल्स बाद आपका रिपीट हो गया, इनिशियली आपका जीरो जीरो था, फिर आपका चार क्लॉक पल्स के बाद क्या हो गया, जीरो जीरो रिसेट कंडीशन में आ गया। तो दो बिट का था तो आपका नंबर ऑफ स्टेट कितना हो गया, चार। तो चार स्टेट के बाद क्या होगा, फिर आपका इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, इनिशियल पोजिशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद क्या हो गया, जीरो जीरो आ गया, मीन्स रिसेट कंडीशन में फिर से आ गया, फिर से ये काउंट करेगा शुरू से, फिर से शुरू से काउंट करेगा। अब देखिए रिपल डाउन काउंटर, डाउन काउंटर देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है, वन वन है मीन्स थ्री, ये आपका वन जीरो मीन्स टू, ये वन वन मीन्स वन, अब जीरो जीरो मीन्स जीरो। देखिए थ्री टू वन जीरो, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपका डाउन काउंटर हो गया। डाउन काउंटर क्या करता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करता है, वही अप काउंटर क्या करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करता है, जीरो वन टू थ्री इस तरह से। ये आपका डाउन काउंटर डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर रहा है। तो ये चीज को हम लोग देखे, एक चीज और हम लोग देखेंगे, जब हम लोग निगेटिव एज ट्रिगरिंग का अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। देखिए निगेटिव एज ट्रिगरिंग का जब आप अप्लाई कीजिएगा तो कोई खास चेंज नहीं आएगा, जो आपका टू बिट रिपल डाउन काउंटर है वो क्या हो जाएगा, टू बिट रिपल अप काउंटर। बस हम लोग ट्रिगरिंग जब अप्लाई करेंगे निगेटिव एज ट्रिगरिंग का, तो जो टू बिट रिपल डाउन काउंटर है वो क्या हो जाएगा, टू बिट रिपल अप काउंटर हो जाएगा। और सिमिलरली वाइस वर्सा, जो टू बिट आपका रिपल अप काउंटर रहेगा उसको हम लोग जब निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, सर्किट आपका सेम रहेगा, तो वो क्या करेगा, टू बिट रिपल डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए जब हम लोग निगेटिव, यहाँ पे तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किए थे, अब हम लोग निगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका निगेटिव एज ट्रिगरिंग हो गया। देखिए निगेटिव एज ट्रिगरिंग, निगेटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होगा, जीरो जो है एक्टिवेट करेगा फ्लिप फ्लॉप को, जीरो एक्टिवेट द फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होता है, वन जो है एक्टिवेट करता है फ्लिप फ्लॉप को, एक्टिवेट द फ्लिप फ्लॉप। जब आप देखे हैं यहाँ पे वन था तब ये इसमें आपका ये जो क्लॉक पल्स वन आता था तो एक्टिवेट करता था, जीरो रहता था तो एक्टिवेट नहीं करता था। सिमिलरली जब आपका निगेटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होगा, जीरो एक्टिवेट करेगा फ्लिप फ्लॉप को। चलिए देखते हैं, ये आपका क्लॉक हो गया क्यू टू क्यू वन हो गया। चलिए इनिशियली आपका क्लॉक जीरो है मीन्स रिसेट कंडीशन में है, तो आपका क्यू टू और क्यू वन दोनों रिसेट हो जाएगा, जीरो जीरो रहेगा। तो ये आपका जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो जीरो हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव एज ट्रिगरिंग देख रहे हैं, निगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग में फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट क्लॉक में मीन्स वन अप्लाई करेंगे, वन अप्लाई करेंगे यहाँ, तो आपका क्या होगा, फिर टगल स्टेट में जाएगा, टगल स्टेट में जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, इनिशियली आपका जीरो है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, वन प्रोड्यूस करेगा। तो आपका क्यू वन क्या हो जाएगा, क्यू वन आपका वन हो जाएगा। और देखिए ये वन यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस क्लॉक में, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में हम लोग अप्लाई करिए वन। तो ये कौन सा ट्रिगरिंग है, निगेटिव एज ट्रिगरिंग ले रहे हैं। तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होगा, जब जीरो रहेगा तो आपको फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करेगा, वन रहेगा तो फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये वन है तो आपका जो प्रीवियस स्टेज जैसा आपका आउटपुट है वैसा ही रह जाएगा, तो प्रीवियस में जीरो है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो ही रह जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, ये टगल स्टेट में जाएगा, टगल में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वन था तो अब क्या हो जाएगा, जीरो, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया मीन्स क्यू वन आपका जीरो हो गया। तो जीरो जब हम लोग अप्लाई करेंगे सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में, तो ये क्या है, निगेटिव ट्रिगरिंग है, तो ये क्या करेगा आपका, अप्लाई कीजिएगा तो ये आपका टगल स्टेट में जाएगा, टगल में जाएगा तो फिर आपका आउटपुट यहाँ पे जीरो था तो क्या कर देगा, वन देगा, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स। फिर हम लोग तीसरा क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, तीसरा क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका वन है, ये वन अप्लाई करेंगे तो फिर टगल स्टेट में जाएगा, टगल में जाएगा तो ये जीरो क्या प्रोड्यूस करेगा, वन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे क्यू वन में वन हो जाएगा, तो ये आपका वन हो गया। और देखिए ये फिर वन हम लोग अप्लाई करेंगे सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में, तो क्या हो जाएगा आपका, एक्टिवेट नहीं करेगा फ्लिप फ्लॉप को, क्योंकि निगेटिव एज ट्रिगरिंग में जीरो आपका एक्टिवेट करता है, यहाँ पे वन है तो एक्टिवेट नहीं करेगा, तो प्रीवियस स्टेज में रहेगा, तो प्रीवियस स्टेज का आउटपुट आपका क्या था, क्यू टू का आउटपुट वन था, तो ये आपका
वन रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, चौथा क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे, चौथा क्लॉक पल्स मीन्स वन को अप्लाई करेंगे। वन जब आप अप्लाई कीजिएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले से ये क्या है, ये वन है। तो देखिए जब हम लोग फिर अप्लाई करेंगे फोर्थ क्लॉक पल्स को तो फिर टगल स्टेट में जाएगा, टगल स्टेट में जाएगा तो ये वन क्या हो जाएगा, ये वन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू वन आपका जीरो हो गया। और फिर देखिए ये जीरो हो गया तो ये फिर हम लोग सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में अप्लाई करेंगे, निगेटिव स्टीयरिंग है तो ये क्या करेगा एक्टिवेट कर देगा फ्लिप फ्लॉप को, तो ये टगल स्टेट में जाएगा। तो टगल स्टेट में जाएगा तो आपको इसे प्रीवियस में क्या था इसका वैल्यू वन था, इसका वैल्यू वन था तो आपका टगल करेगा तो टगल होगा तो क्या हो जाएगा फिर जीरो प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे आपको जीरो आ जाएगा। तो फिर देखिए आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स देखिए यहाँ पे जीरो जीरो आ गया, जो आपका फर्स्ट पोजीशन में जीरो जीरो था फिर आपका फोर्थ में जीरो जीरो आ गया, मीन्स रीसेट कंडीशन में आ गया, चार क्लॉक पल्स के बाद रीसेट कंडीशन में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग काउंटिंग देखें तो ये आपका जीरो है, वन टू थ्री, फिर आपका जीरो वन टू थ्री, इस तरह से काउंट शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये जीरो वन टू थ्री ये क्या हो गया, अप काउंटर हो गया, अप काउंटर की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग पॉजिटिव स्ट्रिंगिंग का अप्लाई किए थे तो ये रिपल डाउन काउंटर था, लेकिन जब हम लोग निगेटिव स्ट्रिंगिंग का अप्लाई किए सेम सर्किट के लिए तो ये आपको टू बिट रिपल अप काउंटर की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो सिमिलरली आपका जब टू बिट रिपल अप काउंटर रहेगा आप पॉजिटिव ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, और जब आप उसके बाद निगेटिव ट्रिगरिंग का अप्लाई कीजिएगा तो फिर वो डाउन काउंटर की तरह काम करना पड़ेगा, सर्किट आपका सेम ही रहेगा फिर भी। तो हम लोग पॉजिटिव ट्रिगरिंग और निगेटिव ट्रिगरिंग को देखें तो ये आपको समझना जरूरी है जो कौन सा ट्रिगरिंग हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव ट्रिगरिंग में वन जो है फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करेगा, निगेटिव ट्रिगरिंग में जीरो जो है फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप हमसे पूछें। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।